दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा कुमराज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की स्टूडियो में हम बात करेंगे जब किसान है तो किसान भाइयों के लिए कसम जो हमारे समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी स्टार्ट होने जा रही है दोस्तों। और गेहूं, चना, सरसों की आदि फसलों की हमारे जो खरीदी है वो स्टार्ट होने वाली है दोस्तों। बहुत सारे किसान भाई ये जानकर हैरान होते हैं कि उनकी फसल अब समर्थन मूल्य पर कितनी उन्हें बेचना है, या उनका SMS कब आएगा, या उनका मोबाइल किसी भी कारणवश बंद रहता है तो उनके पास SMS नहीं आता है। तो मैं आपको इसी मेथड बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल से द्वारा या अपने किसी भी लैपटॉप कंप्यूटर के द्वारा या मोबाइल के द्वारा आप देख सकते हो अपने मोबाइल पर ही कि आपके SMS आया है कि नहीं आया है, या आपको कितनी फसल आपको उपार्जन केंद्र पर बेचनी है और आपका उपार्जन केंद्र भी कहाँ है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं फटाफट स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका गूगल क्रोम ब्राउज़र खोल लीजिए। गूगल क्रोम ब्राउज़र में खोलने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है सबसे पहले MPE उपार्जन। दोस्तों, इस वेबसाइट के लिंक का मैं अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। सबसे पहले लिंक पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको रबी 2021-22 पर आपको सबसे पहले क्लिक कर देना है गेहूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, पर किसान पंजीयन या आवेदन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपको एक न्यू टैब ओपन होगी। न्यू टैब ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली जिला सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है आपका होम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको उसके बाद क्या करना है, आपका जो मोबाइल नंबर, किसान कोड, मोबाइल नंबर या समग्र ID तीनों में से आप कुछ भी यहाँ पर डाल सकते हो। यदि आप किसान कोड पता करना है तो यदि आपने पंजीयन करवाया समर्थन मूल्य पर, आपको पंजीयन उस पंजीयन में आपका आपका मोबाइल नंबर, किसान कोड या समग्र ID मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, यहाँ पर फटाफट हमारा जो मोबाइल नंबर है वो डाल देते हैं। दोस्तों, मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली जो कैप्चा दिखाई दे रहा है उस कैप्चा को आपको यहाँ पर डालना है। हमने यहाँ पर कैप्चा दोस्तों फटाफट डाल दिया है। और उस कैप्चा डालने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, किसान सर्च करे पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों, यहाँ पर किसान सर्च करे पर आप क्लिक करोगे, आपके सामने संपूर्ण किसान, उस किसान की संपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। यहाँ पर किसान का नाम, किसान के पिता का नाम, यहाँ पर अकाउंट नंबर, किसान कोड, ये पंजीयन केंद्र का नाम सभी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। नीचे आप आपको यहाँ पर पंजीयन रकबे की जानकारी दिखाई देगी, आपका कौन कौन सा रकबा, इस में कौन कौन सी फसल यहाँ पर बोई गई है। जैसे कि यहाँ पर उपार्जन केंद्र का नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है नीचे, श्री वेयर हाउस, केंद्र क्रमांक 2, यहाँ पर तहसील, ग्राम और ज़िला भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर रकबा 0.810 हेक्टेयर, यहाँ पर हमारी जो फसल है वो गेहूं की फसल है और यहाँ पर हम अधिकतम ऊपर 34 क्विंटल यहाँ पर बेच सकते हैं। 34.425 क्विंटल हमें पर बेच सकते हैं। यदि आपका SMS आया होगा तो यहाँ पर आपको फर्स्ट SMS डेट यहाँ पर दिखाई देगी यहाँ पर, और यहाँ पर फर्स्ट SMS डेट यहाँ पर पहले डेट दिखाई देगी। जब फर्स्ट SMS भी आ जाता है और आप फसल नहीं ले जाते हो तो आपको सेकेंड SMS आएगा, सेकेंड SMS डेट भी आपको दिखाई देगी और सेकेंड SMS वैलिडिटी भी आपको दिखाई देगी। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो आपको देता हूँ, यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जहाँ तक क्या किसानों के पास है वीडियो पहुँचे और वो भी अपने फसल का जो भी अधिकतम उपज है वो कैसे ले जाते हैं, आप या अपने SMS की जानकारी आप खुद वो अपने मोबाइल से देख सकें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।